नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ में सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर और मिडब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल माई शेप में। हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में दो प्रॉब्लम्स अक्सर आती है, पहली अपने होमवर्क को टाइम से कैसे करें और दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। इस दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हमें अपने होमवर्क को भी टाइम पे करना है और किस तरीके से हम एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज मैं आपको रेंचिम एक्सरसाइज और पोमोडोरो टेक्निक, ये दोनों का यूज करके किस तरीके से आप किसी भी वर्क में, फिर वो चाहे आपका होमवर्क हो या फिर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन, आप इसको बहुत ही आसानी से और बिना किसी डिस्ट्रेक्शन के साथ इस काम को आप कंप्लीट कर पाओगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाओगे किसी भी वर्क में। तो आपको क्वेश्चन होगा कि ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है। एक्चुअली पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टमाटर। वॉट? तो आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये टमाटर किस तरीके से हमारे होमवर्क या फिर हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रोडक्टिविटी ला सकता है या फिर हमारी हेल्प कर सकता है। तो डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना है, पोमोडोरो टेक्निक क्या है और उसके साथ हमें किस तरीके से ब्रेनजिम एक्सरसाइज को यहाँ पर अप्लाई करना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस, नई ट्रिक्स और टिप्स लाता रहूँगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो सबसे पहले मैं आपको ब्रेन जिम एक्सरसाइज किस तरीके से यहाँ पर करना है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप नए हैं और आपको पता नहीं है कि ब्रेन जिम एक्सरसाइज क्या है तो आपको मैं बता देता हूँ। ब्रेन जिम एक्सरसाइज एक पूरा कोर्स है जो मैंने फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। ठीक है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस ब्रेन जिम एक्सरसाइज को पूरा का पूरा डिटेल में देख सकते हैं। एनीवे, अब हम चलते हैं ब्रेन जिम एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रेन जिम एक्सरसाइज की 1551 से लेके 4554 तक की सारी ब्रेन जिम की एक्सरसाइज है उसको 1 मिनट में कंप्लीट करना है। यानी कि ब्रेन जिम एक्सरसाइज का जो लेवल 1 था उसको हमें 1 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना है। और सारी एक्सरसाइज है उसमें 7 या आप 10 काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और उस काउंट के साथ हमें 1 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। 1551 1 2 3 4 5 6 7 2 5 5 2 1 2 3 4 5 6 7 3 5 5 3 1 2 3 4 5 6 7 4 5 5 4 1 2 3 4 5 6 7 नाइस। तो यहाँ पे मैंने 1551 से लेके 4554 तक की सारी ब्रेन जिम एक्सरसाइज को 7 काउंट में कंप्लीट किया, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो आप इसको बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप 45 सेकंड में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पर हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे 10 काउंट में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 काउंट को यूज़ किया था, 7 काउंट को यूज़ किया था। आप इसको 10 काउंट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि किस तरीके से 1 मिनट में हमें ब्रेन जिम एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। और अब हमें ये जानना पड़ेगा कि इसको हमें पोमोडोरो टेक्निक में किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए जानते हैं पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है और ये टेक्निक मैं आपको फ्रांसिस्को सिरिलो की बुक द पोमोडोरो टेक्निक में से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं पोमोडोरो बुक के बारे में डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, पर हाँ, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ आप किस तरीके से स्टडी में कर सकते हैं उसके बारे में मैं सिखाऊँगा ज़रूर।
एक्चुअली पोमोडोरो एक टाइमर आता है जिसका सेप टमाटर की तरह होता है और उसमें 25 मिनट का आप टाइमर लगा सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। अब मैं पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। और हाँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो भी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन, हमें सबसे पहले अपने किसी भी एक काम को चूज कर लेना है। अगर आप होमवर्क करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट के होमवर्क को चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो आप पहले अपने किसी भी एक वर्क को चूज़ कर लीजिए। स्टेप टू, स्टेप टू एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक रूल रहेगा। रूल ये है कि हमें किसी भी काम को फोकस के साथ कंप्लीट करना है, पर उसके पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी को बंद कर देना होगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में किसी एप्लीकेशन या मैसेज की नोटिफिकेशन ऑन है तो आपको उसको ऑफ़ कर देना होगा, या फिर आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में भी डाल सकते हैं जिससे आपका फोकस बना रहे और आप किसी भी चीज़ वस्तु से डिस्ट्रैक्ट ना हो। स्टेप थ्री, यहाँ पे हमें पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना है। हमें क्या करना है, हमारे मोबाइल फ़ोन में एक 25 मिनट का टाइमर सेट करना है, और उस टाइमर के स्टार्ट होते ही हमें अपने वर्क को भी स्टार्ट कर देना है जो हमने चूज़ किया था, और हमें सिर्फ 25 मिनट तक ही उस चीज़ को, उस टास्क को या फिर उस वर्क को कंप्लीट करना है। इस 25 मिनट के टाइमर को हम कहेंगे एक पोमोडोरो। स्टेप फोर, 25 मिनट के बाद जब टाइमर ख़त्म होता है तो उसके बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना है, यानी कि एक पोमोडोरो के बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उस 5 मिनट के ब्रेक में से 1 मिनट के लिए आपको ब्रेन जिम एक्सरसाइज करनी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी। उस ब्रेन जिम को आपको 1 मिनट तक परफॉर्म करना है। उसके बाद बाकी की 4 मिनट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो आप अपने जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहाँ से आप खड़े हो जाए, उसके बाद आप कहीं पे भी हलचल सकते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपको पानी पीना है तो आप पानी पी सकते हैं, और कुछ खाना है तो खा सकते हैं। स्टेप फाइव, 5 मिनट के ब्रेक के बाद हमें फिर से नेक्स्ट पोमोडोरो को सेट करना है, और वो भी पोमोडोरो 25 मिनट का रहेगा। फिर से हमें सिर्फ 25 मिनट के लिए वही वर्क को, वही काम को करना है। 25 मिनट कंप्लीट होने के बाद हमें 5 मिनट का फिर से एक ब्रेक लेना है, और इस प्रकार से हमें टोटल 4 पोमोडोरो को कंप्लीट करना है, और हर पोमोडोरो के बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेना है, और उस 5 मिनट के ब्रेक में से 1 मिनट के लिए आपको ब्रेन जिम की एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से आप सिर्फ 25 मिनट लगा के उस काम को आप 100 मिनट तक कंप्लीट कर पाएंगे। 100 मिनट यानी कि 1 घंटा और 40 मिनट हुए, तो आप 1 घंटे 40 मिनट तक उस काम को पूरी फोकस के साथ इजी से कंप्लीट कर पाओगे। स्टेप सिक्स, 4 पोमोडोरो कंप्लीट होने के बाद आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हैं जो 15 से 20 मिनट का रहेगा। उसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस टेक्निक का यूज़ करके एक अच्छा सा टाइम शेड्यूल बना पाएंगे, एक टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बना पाएंगे। तो पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 25 मिनट का फोकस लगा के अपने वर्क को कंप्लीट करना है। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो 5 मिनट का ब्रेक है उसमें आप जो 1 मिनट का ब्रेन जिम एक्सरसाइज करते हैं उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, किसी भी काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, वो एनहेंस हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस पोमोडोरो टेक्निक और ब्रेन जिम एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। और हाँ, आप अपने वर्क के हिसाब से, अपने वर्क की लेंथ के हिसाब से पोमोडोरो की संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं, पर आपका एक पोमोडोरो सिर्फ 25 मिनट का रहना चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर अपने भाई बहन के साथ इसको शेयर कीजिए, और इस तरीके से आप इस नॉलेज को बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।